Hey guys, welcome back to Fitness Infinity and in this video we are talking about monthly favorites of October. So अगर आप लोगों ने पिछले महीने का monthly favorites नहीं देखा है जो कि monthly favorites of September, तो मैं इस video के end में वो link mention करूँ. और ये whole जो concept है, whole जो idea है, ये Instagram के through आया है, आपकी वजह से आया. आप लोगों ने मुझे idea दिया है कि जो भी items मैं normally use करता हूँ और जो भी items मैं monthly जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं include करता हूँ इस videos में. तो आप भी इन items को खरीद सकते हो और आप भी इन आइटम्स को यूज कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस. सो गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो के अंदर उनकी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और आप वो लिंक्स को खोल के आप वो प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो. सो गाइस, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट अगर आप इन लिंक्स के थ्रू आप क्लिक करके आप इसको परचेज करोगे तो 3-5% ऑफ जो भी टोटल अमाउंट है, जो भी छोटा सा कमीशन है, वो मुझे एक्चुअली मिलेगा. सो अगर आप इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प करना चाहते हो, सो मेक श्योर यू बाय दिस प्रोडक्ट्स थ्रू दोस लिंक्स. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, पहला प्रोडक्ट मैं जो मेंशन करूंगा वो होगा मंथली फेवरेट बुक, जो मैं हर महीने बुक मेंशन करता हूं. ये बुक बहुत ही अच्छी है. मैं ऑलमोस्ट 90% ये बुक कंप्लीट कर चुका हूं. आई थिंक अभी 10 से 15 पेजेस और बचे हुए हैं. तो आई थिंक मैं इस महीने में, हाँ, 5-6 दिन बचे हैं, तो मैं आई थिंक खत्म कर दूंगा ये बुक को. सो गाइस, जो बुक है वो बेस्ट सेलर रह चुकी है और जो सेलर का नाम है नोआ हरारी और बुक कुछ इस तरीके से दिखती है. तो ये एक्चुअली बताता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब किस तरीके से ह्यूमन स्पीसीज हमारे अर्थ पे उनका एक तरीके से विकास हुआ और आप कह सकते हैं किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ. तो बहुत ही अच्छी बुक है, ह्यूमन के ऊपर बुक है, ह्यूमन स्पीसीज के ऊपर बुक है, किस तरीके से वो ओरिजिनेट हुए, हाउ द प्रोसेस वेंट अलॉन्ग. सो इट्स अ वेरी गुड बुक. इफ यू लाइक रीडिंग यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन. देन आई थिंक आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगेगी. सो नाउ विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट नंबर 2. सो आई थिंक ये प्रोडक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. मे बी किसी को बुक पढ़ना बोरिंग लगता होगा, बट ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा. स्पेशली जिम वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. और जो प्रोडक्ट है वो है, मुझे इस शेकर की 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी. पहली चीज़ तो ये कि जो इसका जो बॉडी है, इसका जो प्लास्टिक है, वो स्मेली नहीं है. अगर आप इसमें प्रोटीन शेक डालते हो तो आपको बाद में स्मेल नहीं आएगी. अंदर का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा बना हुआ. इसकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि इसका जो ये जो सील है, जो इसका ये एक तरीके से जो बंद होता है कैप, बहुत फोर्स से बंद होता है. तो अगर आप इसको बंद करके अगर आप शेक कर रहे हो तो किसी भी तरीके का प्रोटीन शेक आपको लीक नहीं होगा, स्पिल नहीं होगा. आपके बाउंड्रीज में, आपके कपड़ों पे, या मे बी फ्लोर पे आपका प्रोटीन शेक गिरेगा नहीं. मोस्टली हम देखते हैं कि जो नॉर्मल प्रोटीन शेक की बॉटल होती है उसमें से वो लीक होता है अगर आप टाइट बंद ना करो, बट ये बहुत ही अच्छा है. यहाँ से भी लीक नहीं होगा और आपका ये भी बहुत टाइट बंद होता है. और इसकी थर्ड मेन जो चीज़ है वो ये है, आई मीन जो मुझे अच्छी लगी, कि ऐसे कंटेनर्स हैं. अगर आप देख सको तो ये जो कंटेनर्स हैं ये वीकली कंटेनर्स हैं और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो गाइस, मैं कह रहा था कि इसका टाइट सील्ड कंटेनर और इसके ब्लॉक्स जो आप देख सकते हो, आप इसमें आप अपने BCAAs और मल्टीविटामिंस रख सकते हो. तो इन चीज़ों की वजह से मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. इवन इसका कलर भी काफ़ी फ्लोरोसेंट और ब्लैक के साथ है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और यूज़ करने में तो डेफिनेटली है ही. इसमें हम पानी डाल के भी पी सकते हैं, एज अ वाटर बॉटल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और वाटर बॉटल से बात आया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो वाटर बॉटल ही है. सो लेट मी शो यू. सो गाइस, दिस इज द वाटर बॉटल, अ ग्लास मेड वाटर बॉटल. लिखा भी है माई बॉटल, काइंड ऑफ स्टूपिड. तो मुझे ये चीज़ इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसका तो एक्चुअली जो बेस है और जो इसका एक्चुअली टॉप है बहुत ही रिलायबल है. इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ अलॉय, काइंड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील. तो बहुत ही ड्यूरेबल है, गिर भी जाती है तो कितना इशू नहीं होता. हाँ, मेड अप ऑफ ग्लास, बट स्टिल 2-3 बार मुझसे गिरी है और कुछ हुआ नहीं है और लीकेज उसमें है नहीं. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसकी है, मुझे क्यों अच्छी लगी, मैंने वाटर बॉटल कौन इंक्लूड करता है, बट द थिंग इज मोस्टली हम जो पानी पी रहे हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मिनरल वाटर के फॉर्म में हो, चाहे वो हम लोग प्लास्टिक बॉटल को अपने घर से पानी भर के अपने ऑफिस में या काम पे लेके जाएं, तो वो जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं और वो पॉलिएस्टर से बने होते हैं. लाइक पॉलीइथाइलीन एक पॉलीमर होता है जो PET फॉर्म में हम बोलते हैं, उससे वो बना होता है. तो वो एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसके जो बॉटल की जो अंदर का सरफेस होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. जो वो केमिकल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स होने शुरू हो जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि 4 दिन या 5 दिन अगर आप उसमें पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप देखोगे 1 वीक या 2 वीक अगर आप उस बॉटल को कंज्यूम करोगे तो वो बॉटल येलोइश और डार्कन कलर में फेड होना शुरू हो जाएगी. वो शो करता है कि वो जो मटेरियल है वो एक्चुअली एक्सपायर्ड होना शुरू हो गया और वो डिग्रेड हो रहा है. तो अगर आप पानी उसके अंदर रखते हो तो वो पानी के अंदर वो इम्प्योरिटीज मिक्स होगी एंड
पॉलिस्टर्स एंड कार्बोनेट्स आर रियली हार्मफुल फॉर योर बॉडी. सो दैट्स इट, आई एम यूजिंग दैट ग्लास बॉटल. अगर आपको पसंद आए तो आप इस ग्लास बॉटल को खरीद सकते हो गाइस. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम अनदर प्रोडक्ट्स. सो गाइस इट गोज लाइक दिस एंड दिस. एक्चुअली ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में बताऊँ, ये प्रोडक्ट जो है वो है शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम मैन आर्डन. एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये. इसमें एक्चुअली बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली डिजाइन फॉर मेन, और इसमें शैम्पू और कंडीशनर दोनों एडिड है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है ये डीवेंसे का आलमंड ऑयल. तो हाथ से मेरा स्लिप हो गया है. तो ये जो सी अभी ये आपको शो करता है कि कितना ड्यूरेबल है इसका जो बॉडी, जो जो मटेरियल है वो इतना जल्दी क्रैकेबल नहीं है. तो गाइस तो ये है, तो मैं अगर पास से दिखा दूँ तो ये एक्चुअली मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ. पहली बात तो मुझे कंपनी ने सामने से अप्रोच किया और मुझे बोला कि हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड सेकंड थिंग इज़ कि इसका जो फ्रेगनेंस है लाइक ज़ीरो फ्रेगनेंस. मैं नहीं बोल रहा कि स्मेली और बहुत ही अच्छा स्मेल है, जास्मीन स्मेल है, ऐसा कुछ नहीं है. फ्लेवरलेस है, नो स्मेल एट ऑल. अगर आपने इसको अप्लाई किया है तो आपको किसी तरीके की कोई स्मेल फील नहीं होगी. आलमंड ऑयल में मोस्टली काफ़ी अजीब तरीके की स्मेल होती है, बट ये काफ़ी डिफरेंट है. और मेरे को ये इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को अपने बियर्ड पे लगा रहा हूँ, राइट, बियर्ड पे लगा रहा हूँ, और मैं इस प्रोडक्ट को अपने बॉडी पे लगा रहा हूँ. मैं अपने चेस्ट, शोल्डर, जब भी मैं मालिश करता हूँ तो मैं ये यूज़ करता हूँ. आई मीन पहले मैं सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल या फिर नारियल के तेल से करता था, बट इसको करने से मुझे ज़्यादा मतलब स्किन में काफ़ी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एक हेल्दी काइंड ऑफ फील आ रहा है, एक सॉफ्ट काइंड ऑफ फील आ रहा है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ. आप इसको बियर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप इसको हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप इसको बॉडी पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो गाइज इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट और बहुत ही सस्ता है. मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा गाइस, आप देख सकते हो. सो गाइस अभी जो मोस्टली प्रोडक्ट होंगे वो सारे स्पॉन्सर्ड होंगे और वो सारे मुझे कंपनी ने सेंड किए होंगे, बट हाँ मैंने वो यूज़ करे हैं और मुझे वो अच्छे लगे हैं, तभी मैंने शॉर्टलिस्ट करके इनको इंक्लूड किया. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में डाले नहीं हैं, जो कि मुझे कंपनी ने सेंड किए थे क्योंकि वो मुझे वर्थ ही नहीं लगे. तो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, सो दिस इज BCA फ्रॉम हेल्थविट. आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देखो, अगर आप मेरे वीडियोस देखो, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप इनफ प्रोटीन खा रहे हो तो आपको BCAAs की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप नॉर्मल लाइफ में नॉन वेज आइटम्स नहीं खा रहे, अगर आप डेली लाइफ में इनफ प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे, हाँ तो आप BCAA कंज्यूम कर सकते हो. सो गाइज इफ़ यू आर वन हु इज़ प्लानिंग टू परचेज BCAA, शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस प्रोडक्ट. सो आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट गिव अवे जो कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट गिव अवे आई थिंक भी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक करूँगा. सो आई एम प्लानिंग फॉर गिव अवे और मैं इस प्रोडक्ट को उसमें इंक्लूड करूँगा. सो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो नीचे से कुछ आइकन्स आएंगे, वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हो और आप न्यूज़ से रिलेटेड आप एक्टिव रह सकते हो कि मैं कभी गिव अवे लॉन्च करूँगा. सो गाइज द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, सो ये एक्चुअली ग्लास है और इसमें मैं नॉर्मली जो मैं प्रोटीन स्मूदीज बनाता हूँ, प्रोटीन शेक्स बनाता हूँ, वो मैं इसमें डाल के पीता हूँ. सो गाइस इसका हैंडल है, काफ़ी हैंडी है और मेड अप ऑफ ग्लास है, ड्यूरेबल है. आप इसमें काफ़ी क्वांटिटी का प्रोटीन शेक, प्रोटीन स्मूदी, ग्रीन टी आप इसमें कंज्यूम कर सकते हो. एंड काइंड ऑफ स्टाइलिश, मोस्ट ऑफ ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, इंडिया में काफ़ी लेट आया है, बट स्टिल इट्स अ गुड वे टू ड्रिंक योर प्रोटीन शेक्स एंड ग्रीन टी. सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सिज़रा चिली फ्लेक्स. सो गाइस ये प्रोडक्ट आप नॉर्मली अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप और उन्होंने ये प्रोडक्ट मेरे को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेंड किया है. एक्चुअली ये नहीं, इसके साथ का एक और प्रोडक्ट सेंड किया था जो कि था हॉट गार्लिक सॉस और बहुत ही चिली सॉस था. तो वो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो फिर भी मैं उसके लिंक्स मेंशन कर दूंगा. बट ये प्रोडक्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको चिली फ्लेक्स या इस तरीके ऑरिगैनो ऑल टाइप में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो. सो गाइस द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, सो ये एक तरीके से चॉकलेट पाउडर है जो आप दूध में डाल सकते हो. नॉर्मली अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको कॉफ़ी के कुछ, यू नो आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट, तो मैं कॉफ़ी में इसको यूज़ करता हूँ. आप स्प्रिंकल कर सकते हो कॉफ़ी के ऊपर और मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया. अगर आप कॉफ़ी पीते हो, अगर आप दूध पीते हो, तो आप इसको यूज़ करके, इसमें एक्चुअली दो है, अगर आप इसको खोलोगे तो आप स्प्रिंकल के लिए आपको एक कैबिनेट मिलेगा, अगर आप इसको खोलोगे तो आपको स्पून डाल के निकालने का कैबिनेट मिलेगा. तो आप इसको स्पून से भी निकाल सकते हो, आप इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हो अपने कॉफ़ी के ऊपर. सो गाइस दैट वाज ऑल ऑफ अक्टूबर मंथली फेवरेट, स्टार्टिंग फ्रॉम बुक, then shaker, I mean protein shaker, then water bottle, then glass, then chili flakes, then
oil and shampoo. So if you like all these products, if you like any one of the products, you can click the link and you can purchase the product. So guys, thank you so much for watching this video. I hope I will be coming soon with the October, November monthly favorites. So guys, till now, stay fit, stay strong, have a nice day.